ए महाराम जी, अब मशीन के मोटर कट्ठे से बड़ा कर ले आऊंगी। अब मैं अभी के अभी पता करता हूँ। अब मुझे करने दे, तू चिंता ना कर। देखना, मैं अभी के अभी इसका बंदोबस्त कर देता हूँ। हे ठाकुर जी। हेलो अजी, मैं हनुमान गली से बोल रहा हूँ। जी हमारे पास कांची नाम की कंपनी की एक मिक्सी है, उसकी जरा मोटर सड़ गई है। क्या आपके पास उसके साथ की कोई दूसरी मोटर मिलेगी? भाई जी अभी देखकर बताता हूँ। जी 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 हाँ बाबू, देख के बता रहे। काम करता हूँ, मैं भी जाके बाजार में ढूंढ के आता हूँ। जी भाई जी, वो मोटर नहीं है। मतलब वो नहीं है तो और कौन सा दूसरा जाएगा क्या? नहीं नहीं भाई जी, आपको दूसरी दुकान पे देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। इस दुकानदार के पास भी खत्म हो गया। एक और दुकान है, वहां पता करता हूँ। अशोक मिली क्या? मिल गई? ले भाबो, चिंता कर रही थी तू, मिल गई ना मिक्सी? रुक दो मिनट। हाँ भाई सुन, अशोक एक काम कर तू, फटाफट मैकेनिक को लेके ना ये हनुमान गली में आ जा। भाई सुन, पर ये कांची ब्रांड की लेके आई हो तू? हैं? चिटानी जी, आपने तो कहा था इस कंपनी की मोटर मिलती को नहीं, ये मोटर कौन से मिल गई? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हैं? क्या? भाई जी कांची की ना है। रे भाई तू बोल रहा था तेरे पास है? भाई जी दूसरी है, कांची की ना है। बावला हो गया क्या भाई? अभी तू बोल रहा था तेरे पास है, अब तू मना कर रहा है। बोले ब्रांड की नहीं है। हे महाराज राम जी, अब क्या करूं मैं? बाबो अभी अभी मोहित आएगा, बोला था ना उसको लाने के लिए, उसने बोला था जैसे ही मिल जाएगी मैं फोन कर दूंगा। आने दे उसको, देखना वो वहीं पे ढूंढ ढूंढ के निकाल लेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। आ गया। लो लो मोहित भैया आ गए। मोहित के हो ये छोरा, मोटर मिली? कहीं नहीं मिली, पूरा बाजार छान मारा, और तो और तीन चार कबाड़ी वालों को भी पूछा, किसी के पास ऐसी ब्रांड की मिक्सी है ही नहीं। हे मारा राम जी, अब मैं दाईसा ने के जवाब दूंगी कि उसकी मशीन की मोटर ना मिली? अब तो स्वयं विश्वकर्मा जी भी आ जावे ना तो भी दाईसा की मशीन की ना मोटर ना बढ़ा सके। शांति होगी दोनों ने। लो अब पूरे हनुमान गली में बदनाम करेगी वो। ये देखो हमारे घर से चीज लेकर गए और खराब कर दिए। ये मिस्सी के हो गई, जी का जंजाल बन गई। याद को नहीं गलियां गलियां कहती फिर रही थी कि जब देखो सुबह शाम मीना बीननी बर्फ लेने के लिए चली आवे। हे मारा राम जी, शाम तक तो ना थारी मौ पूरे हनुमान गली में बता चुकी होगी कि हमारे घर से मशीन लेकर गए थे और खराब कर दी। हो गई शांति? मैं तू ही घोड़े पर दौड़ रही थी ना कि दाईसा के घर से मशीन लेकर आती हूँ। आराम से पीस जावे को भापो, खाटी चलाने में ना जोर आवे अठे। ले हो गई ना, घर बैठे मुसीबत आ गई। मारा राम जी मैं क्यों सुनी, अरे कोई ना सुनना चाहता तुम लोगों की बात। अब वो एकदम सही कह रही। तू तो चुप ही रह रही,
बार तो तू ही कह रही थी ना कि मीना भीनी सही कह रही है, दाईसा के घर से मशीन ले आते हैं। अगर थारी बात ना सुनी होती ना तो आज ये दिन देखना को नहीं पड़ता, जय नौबत ना आती मारे घर। हाँ बाबू आप सही कह रही, और मैं भी किसी काम में किसी की मदद लेना या देना सही नहीं समझती बाबू। इसी कारण से मैंने मोहित भैया का पक्ष लेने और उनकी मदद करने से मना कर दिया था। सूरज जी, मोहित भैया, एमिली, बाबू, ये काम मेरे लिए भले ही बहुत आसान था, और वो ग्राहक केंद्र वाले मेरे कहते ही इस काम के लिए हाँ भी कर देते, लेकिन आज अगर मैं उनसे अपना कोई काम करवाती तो कल वो मुझसे अपना कोई काम करवाते। और पता नहीं वो क्या काम करवाते, सही या गलत, बाबू आप ही की तरह मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं एक लूं और दो देना पड़े। इसी कारण से मैंने मना कर दिया था। आप सबको लगा कि मैं आप सबका अपमान कर रही, ऐसा नहीं था बाबू। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मोहित भैया, एमिली, बाबा साहब, उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ भीनी, थारी बात समझ आ गई। थैंक यू बाबू। हाँ भीनी, तेरी भावना को मैं भी समझ रहा हूँ बेटा। मारे को भी लगता है कि जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रही ना वो? फिर काम करना, वो फ्री की चाट खाना चाट वाले से बंद कर देना फिर तू। मैंने कब खाया जी? झूठी कहेंगे। मोहित भैया, एमिली, तुम दोनों मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि पार्लर जल्दी से जल्दी खुल जाए, और इसके लिए जो भी सही मदद होगी मैं जरूर करूंगी। और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे ना, लड़ेंगे और बिल्कुल सही तरीके से लड़ेंगे। और देखना, हमारी दुकान जल्दी से जल्दी खुल जाएगी। इमली बिंद्री, सुना ना संध्या बिंद्री ने क्या कहा? रे मोहित, सुन लिया ना ये कह रही संध्या बिंद्री? तुम लोगों की मदद के लिए वो लड़ेगी और अपने हिसाब से लड़ेगी। सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। पर संध्या बिंद्री, ये दाईसा वाली मुसीबत का क्या करें?
इस मुसीबत का तो हल निकालना ही पड़ेगा ना। उसकी चिंता मत करिए, अब वो तो झटपट ठीक हो जाएगी। अरे बावड़ी, अपने आप कैसे ठीक हो जाएगी? वो क्योंकि बाबा साहब वो तो हम दोनों ने आपको अपनी बात समझाने के लिए ऐसा किया था। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।